मध्य प्रदेश में फिर एक ट्रेन हादसा। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही ट्रेन में अचानक निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मची हड़कंप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही ट्रेन के D5 कोच में अचानक निकलने लगा धुआं, जिससे यात्री घबरा गए और ट्रेन पुलिंग करने के कारण ट्रेन को रोका गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जहां कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही ट्रेन के D5 कोच में अचानक धुआं हो गया, जिसके चलते यात्री असहमत हो गए और उन्होंने चैन खींच दी। इस दौरान घबराए यात्रियों ने ट्रेन की चैन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन रुक गई। अच्छी बात यह है कि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री की जानमान की हानि नहीं हुई है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक नीचे लगी रबर रगड़ने के कारण धुआं उठा था, जिससे D5 कोच के यात्री घबरा गए। इस दौरान एक घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। अधिकारियों ने जाँच के बाद ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि इससे पहले कावराईपट्टी में दरभंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन सवारी यात्रियों को शनिवार को एक विशेष ट्रेन से दरभंगा के लिए रवाना किया गया था। रेलवे अधिकारियों ने बताया था कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर ट्रेक को बहाल करने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन संख्या 1257 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को रात करीब 8:30 बजे एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और यात्रियों को बसों से पन्नेरी और फिर 2 MU स्पेशल ट्रेनों से चेन्नई सेंट्रल लाया गया। सभी यात्रियों के पहुंचने के बाद उरे अरक्कोणम नेरीगुट्टा और गुडूर होते हुए दरभंगा जाने वाली विशेष यात्री ट्रेन में चढ़ाया गया। यात्रियों को भोजन के पैकेट और पानी उपलब्ध कराया गया। विशेष ट्रेन सुबह 4:45 रवाना हुई। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक RNC ने कहा कि इसे यहां नहीं रुकवाना था, इसलिए इसे यहीं से गुजरना था। चेन्नई से रवाना होने के बाद इस ट्रेन के लिए हरी झंडी दी गई। चालक सिग्नल का सही तरीके से पालन कर रहा था, लेकिन ट्रेन को मुख्य लाइन पर जाना चाहिए था। इसके बजाय यह स्विच पर लूप लाइन पर चली गई, जहां इस ट्रेन का हादसा हो गया।